42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में केरल और बिहार पार्टनर स्टेट है। इस वक्त मैं केरल पेविलियन में मौजूद हूं और सबसे ज्यादा जो इस बार केरल पेविलियन में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वह है बैम्बू से बने डेकोरेटिव आइटम्स। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कलाकारी बैम्बू पे की गई है। आप देखें कि एक से एक शोपीस, चाहे भगवान गणेश की का हो या फिर गौतम बुद्ध का हो, आप देखिए तरह तरह के बुद्धा, श्री कृष्ण, बेहद खूबसूरत कलाकारी जो है वो की गई है बैम्बू पे। और आप देखें कि किस तरीके से, और मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से बैम्बू से बने झूमर, डेकोरेटिव पीस, पैन होल्डर, ये तमाम चीज़ें यहाँ आपको दिखाई देंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक एक तस्वीर दिखाएं। ये सारे फैंसी आइटम्स हैं जो फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं महिलाओं के लिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो कितने खूबसूरत जो बैम्बू से बने आइटम है वो यहाँ दिख सकते। एक एक आइटम इतना खूबसूरत है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजू बाबू है। कहाँ से आए हैं आप केरल में? केरला, वायनाड से। वायनाड से आए? वायनाड से। चलिए, वायनाड बहुत पॉपुलर जगह है, एक बड़े नेता वहाँ से एमपी हैं। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या क्या आइटम आपके पास है, क्या क्या बैम्बू से, क्या ये तो बहुत खूबसूरत झूमर मैं देख रहा हूँ, और क्या क्या बनाते हैं? नहीं, वो हमारा क्या है कि लोगों की ज़रूरत क्या है उसके अनुसार बांस में हम सब कुछ बनाते हैं। हमारे लिए कुछ बाउंड्री नहीं है। आपकी ज़रूरत क्या है उसके अनुसार, ये जो इधर पड़ा है इसके अलावा बहुत कुछ है हमारे पास, सब कुछ बनाते हैं। इस बार जो लोग आ रहे हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करें व्यापार मेला में? हमारा तो ज्वेलरी से जो प्लांट है सब कुछ में, अलग अलग लोग अलग अलग है ना, किसी का अलग अलग टेस्ट है, एक ही नहीं है, पूरा का पूरा सबका फेवरेट है। मतलब आप कह रहे हैं कि बैम्बू से बने आइटम इस बार लोग खूब पसंद कर रहे हैं? खूब पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं केरल वायनाड से ये आए हैं और कितनी खूबसूरत इनके पास जो है कलाकारी है इनकी। और एक और सबसे जो नायाब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी, अच्छे हैं ना कि हम हमेशा आते हैं पवेलियन में। हाँ। केरला की सांभर पाउडर, इनके स्पाइस, दालचीनी, छोटी इलायची, और बहुत ही बढ़िया होता है इनका, प्योरिटी बहुत है। आप यहाँ बैम्बू वाले शॉप? बैम्बू में ये सारा शैंडलियर्स है ना। हाँ। ये बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया होता है, ड्राइंग रूम में चार चांद लग जाता है अगर ये सेंटर में आ जाए ना। हाँ। और साइड में आ जाए कॉर्नर्स में। हाँ। तो ये बहुत ही गजब का होता है। ये तो इतने मेहनत से इन लोगों ने बनाया नारियल से, उससे बैम्बू का बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और हैंडमेड है ये तो, वैसे भी बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या ले रही हैं मैम, ये बताइए। मैं अभी देख रही हूँ, अभी सर्वे कर रही हूँ। हाँ। अभी केरला में तो मैं स्पेशल आई हूँ ना। अच्छा, तो स्पेशल आई हूँ, स्पेशल आई हूँ केरला में, तो बिल्कुल आई हूँ मैं। तो मैं तो मुन्नार भी गई थी, एलएपी गई, तो वहाँ से मैं लेकर आती हूँ काफी, चाय बागान में गई। हाँ जी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। तो गुड़गांव से स्पेशली आप केरल पेविलियन में शॉपिंग करने? हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव से ये आई हैं और ये बैम्बू से बने आइटम। सर, बहुत तारीफ हो रही है आपका आइटम की। हाँ, नहीं बहुत ही बढ़िया है। नहीं नहीं, अच्छा सुनने से अच्छा लग रहा है हमको भी। आपको भी हौसला मिलता है? हाँ, इनका कहना है कि जो आप तारीफ कर रहे हैं उसे इनको भी बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। मैम क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही अच्छी आइटम है, सारी जितनी भी बैम्बू की बनी हुई है। आई लाइक टू मच। यू लाइक टू मच? मैम हाउ मच यू लाइक? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं कि जो लोग भी खरीदारी के लिए आए हैं, देखिए कितने खूबसूरत की रिंग्स, ये देखिए महिलाओं के लिए ये है, ये सारे पैन होल्डर्स हैं, झुमका भी है, ये देखिए झुमका है। तो आप तरह तरह की चीजें जो है, सबसे स्पेशली ये है जी, ये हमारी तिजोरी के लिए जी। ये क्या बना हुआ है सर? ये देखिए, ये टेंपल पेंटिंग किया गया है, ये महिलाओं के पहनने के लिए है। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है घरेलू आइटम जो किचन में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सभी आइटम, सब लकड़ी के बने हुए, वुडन है सब, देखिए वुडन बैम्बू, सब बैम्बू के बने हुए। आप देख सकते हैं कि घर में जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं किचन में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और दिलचस्प बात यह कि सभी बैम्बू की बनी हुई है। ये सारी तस्वीरें देखिए, ये सब क्या है? अच्छा, मनी प्लांटिंग। तो आप देखिए कि ये प्लांट होल्डर्स भी हैं, ये तो डेकोरेटिव पीसेज भी हैं, किचन आइटम भी है। मैम ये पेन है क्या? बैम्बू पेन है, देखिए ये बैम्बू पेन भी है। इस तरह से आप ये की रिंग, ये महिलाओं के पहनने के लिए आप देख सकते हैं। तो तमाम ज्वेलरी, ये बैम्बू के सारे ज्वेलरी बने हुए हैं, ये देखिए इयर रिंग्स बने हुए हैं, कितने वेरायटी वेरायटी के इयर रिंग्स बैम्बू के, देख के एक बार विश्वास नहीं होता कि क्या बैम्बू से इतने खूबसूरत आइटम्स बन सकते हैं क्या। तो वाकई केरल के मसाले और उसके अलावा बाकी अन्य चीज़ों के अलावा जो इस बार सबसे ज़्यादा
जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, वो है बैम्बू से बने प्रोडक्ट्स। इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत केरल का एक गांव है। इसके बारे में बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है, वन एमोंग द 10 मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेज इन इंडिया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो 10 सबसे ज्यादा खूबसूरत गांव हैं, उनमें से एक ये गांव है। और यहां पे कैसे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कैसे समय बिता सकते हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है अनिल कुमार। अनिल जी, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और आप ये कह रहे हैं कि देश के सबसे ज्यादा जो खूबसूरत गांव है, उस 10 गांव उसमें से एक है। एक है। कैसे लोग यहाँ जा सकते हैं, कैसे यहाँ पे सब लोग जा सकता है? इकोनॉमिक टूरिज्म है, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो विलेज का पीपल को अर्निंग मिलता है, वही है हम लोग का प्रमोटिव मेन लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दैट इज द मोटो ऑफ आवर गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग ग्राम पंचायत टू। तो आप ये कह रहे हैं कि केरल में सिर्फ मुन्नार और बाकी जगह ना जाएं, ऐसी जगहों पे भी आके आप खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए कुछ जगह और आपको लिए चलते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। आइए आपको हम केरल पेविलियन के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। केरल के मसाले और अन्य चीजों जो है वो बेहद मशहूर है। ये केरल पेविलियन है, मैं एक बार पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ, चूंकि इस बार ये पार्टनर स्टेट है, इनको जगह भी ज्यादा मिली है। कुछ लोग यहाँ है, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार क्या खास चीजें आप लेके आए हैं केरल से दिल्ली के लोगों के लिए ट्रेड फेयर में? क्या क्या है? मिलेट्स है। क्या क्या मिलेट में, क्या क्या आइटम है अपने पास? रागी, कंबरवा, ओके, चामा, राइस, चामा। आप देख सकते हैं कि मिलेट ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि मिलेट को खुद सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। इस बार आप मिलेट लेके आए, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है मिलेट को लेकर? अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मसाले भी लेके आए हैं, इलायची है, ये हमारा जियोग्राफिक इंडेक्स प्रोडक्ट है, अट्टापाड़ी कार्डमम इलायची। ये देखिए आप, ब्लैक पेपर है यहाँ पे, ये है, ये क्या है? क्लोव। अच्छा, लॉन्ग है। ये देखिए आप, ये कॉफी के दाने हैं, अट्टापाड़ी। ऑर्गेनिक आइटम लेके आए हैं हमारे फार्म में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सब ऑर्गेनिक सामान है, चाहे वो मसाले हो, मिलेट्स हो, इलायची हो, ब्लैक पेपर हो, ये तमाम चीजें लेकर आए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मसाले हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बड़ा मशहूर है वहाँ का। क्या क्या चीजें लेकर आए हैं इस बार आप? काजू है, हनी है, नारियल का तेल है, और मसाला इलायची, लौंग, काली मिर्ची सभी है सर। और हमारा खादी कपड़ा, हनी सभी है। क्या लोग पसंद कर रहे हैं उसको? जरूर। मैम, आप क्या ले रही हैं ये बताइए? मैं छोटी इलायची ली है और काली मिर्च ली है। क्या वाकई केरल के जो इलायची और मसाले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं? कई लोग आ रहे हैं खरीदने, कहते तो हैं, तो मैं एक एक पैकेट ले लेती हूँ जब भी आती हूँ तो। हाँ जी, अच्छा रहता है। अच्छा, खुश हैं इस बार व्यापार मेले में? पार्टनर स्टेट है, जगह भी ज्यादा मिला आप लोगों को? मिला सर, मिला। हाँ, लोग आ रहे हैं, फुटबॉल है जी, हम लोग हर साल आने वाले हैं सर, केरला खादी ग्राम उद्योग है। हाँ जी, देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो ये इस बार है कि अगर आप केरल पेविलियन में आते हैं तो चाहे वो बैम्बू से बने सामान हो, चाहे वो किचन के आइटम हो, चाहे वो मसाले हो, इलायची हो, ब्लैक पेपर हो, हनी हो, ये तमाम चीजें आपको केरल पेविलियन में देखने को मिलेंगे। और जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ, आखिरी में चलते चलते मैंने मसाले दिखा दिए, अब बात कपड़ों की जाए तो ये देखिए, ये एक स्टॉल लगा हुआ है। कहाँ से आए आप केरल में? कन्नूर से आए हैं। क्या ये खास कॉटन क्या है इसमें, किस तरह का है? हैंडलूम मैम, हैंडलूम है जी। अच्छा, जो भी चीज बनता है ऐसे हैंड से ही बनता है, हाथ से बनता है। अच्छा, तो ये सब पक्के कलर हैं, क्या प्राइस है इसके, क्या क्या आइटम लेके आए हैं? टॉवल्स है, साड़ी है, धोती है, लुंगी है, बेडशीट्स है। लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, बहुत, हमारा तो पहले से आ रहा है, 10-15 साल से आ रहा है। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो हर साल ट्रेड फेयर में आते हैं, बेहद खुश हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि अच्छा है, पार्टनर स्टेट होने की वजह से जो है वो काफ़ी बड़ा स्पेस मिला है, सब लोग खुश हैं। और क्या कहेंगे आप, ये क्या, कहाँ से आए आप केरल में? हम केरल में कालीकट में आएगा, कालीकट में। वी प्रोवाइड हैंडलूम गुड्स, हैंडलूम गुड्स अवर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, वी आर टेकिंग गुड्स फ्रॉम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मार्केटिंग हियर। And what is the response in the trade fair of these items? Very good response, and we are expecting a good response from Delhi. So you are waiting for it. Yeah.
तो इनका कहना है कि दिल्ली में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, जितने भी लोग आए हैं बेहद खुश हैं। पार्टनर स्टेट होने की वजह से जगह ज़्यादा मिली है, सारे जो लोग हैं स्टॉल जिनकी जिनकी लगी है वो लोग बेहद खुश हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि वाकई जो लोग मसाले के शौकीन हैं, बैम्बू प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, वो तमाम लोग केरल पवेलियन आ रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। ब्रजेश मनीष के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।